बाकी नशों में सो जाओ और सुबह उठ के किसी और के नाम के व्यूज ले लो। तो भाई ये तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशदीप 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले। दरअसल अभी जो मैं बात करने वाला हूँ पारस ठकराल और स्नेह सचदेवा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पारस ठकराल और स्नेह सचदेवा का तो आप लोग जानते ही होंगे, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, जो कि इनका डिवोर्स हो चुका है। अभी हाल ही में एक स्नेह सचदेवा की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो कि बिना नाम लेते हुए पारस ठकराल को करारा जवाब देती नजर आ रही है स्नेह सचदेवा। और क्या कुछ कहती नजर आ रही है उस वायरल वीडियो में, आइए एक बार इस वीडियो पे नजर डालते हैं। तो है जेन्युइनली, और कई बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, रोटी खाने के लिए जेन्युइनली सबको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो ये काम हो, तो वो तो लगती ही है मेहनत। और काश यार मेरे पास भी कोई ऐसा होता जिसके नाम पे बस व्यूज खाते चले जाओ भाई, कोई रुकने का नाम ही ना हो, कि किसी भी तरीके से व्यूज मिले। चाहे पहले किसी लड़की का यूज कर लो, चल उसको लात मार दी, अब किस कर लो, अब कल को जो आएगी उसका यूज करके व्यूज खा लो, तो भाई ये तो चलता ही रहेगा। क्योंकि आसान है ना ये काम, कि 15 दिन अपना नशे में रहो, 16वें दिन उठ के अरे शिट ये करना, चल इसके नाम पे कर लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, खुद का कुछ करना पड़ रहा होगा, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और दूसरी चीज ये भाई कि मेरे हिसाब से कि खुद की आइडेंटिटी ना होना इज नथिंग फॉर मी राइट नाउ, ठीक है, मेरे लिए मैटर भी नहीं करते। लेकिन हाँ, जो ये खेल चालू कर रहा है फिर से नेगेटिविटी फैलाने का, सो आई थिंक सो दिस इज नॉट राइट। तो तुम जो कमेंट्स को हाईलाइट करना चाह रहे हो, सो डोंट, मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है। बाकी इट्स अ माइंड गेम, तो दिमाग से चलते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको खेल चालू करना है करने दो, क्या पता इस खेल में आगे लंबा जाओ और मेरी जुबान पे ताला तो लगानी है। सो वो भी हम लोग भी बोल सकते हैं भाई, हम चुप बैठे क्योंकि हम नहीं चाहते भाई नेगेटिविटी फैलाना। हम पिछले एक साल से जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरा और ढंग का काम कर रहे हैं, हमारे को कोई मतलब को नेगेटिव करने में। लेकिन अगर सामने वाले को अगर हर थोड़े दिनों में याद होता ना कि चल चल वापस से नेगेटिव करके व्यूज लेते हैं, तो ठीक है, इट्स अप टू यू। बट ये याद रखना कि मुंह पे ताला हमारे भी नहीं लगा है। और गाइस सच बताइए, ये चीज है ना बहुत ज्यादा इमोशनली और मेंटली अफेक्ट करती है, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। पिछले एक साल से आपने मेरे मुंह से बातें सुनी नहीं होंगी और ना मैंने बोली कभी भी किया, बट हाँ मेरा बहुत क्लियर है भाई कि ये जो मेंटली है ना, ये सोने भी नहीं देता, क्योंकि हम ना मेहनत करके सोना चाहते हैं, ना कि नशों में सो जाओ और सुबह उठ के किसी और के नाम के व्यूज ले लो। तो भाई ये तो गाइज, आप लोग क्या कहना चाहते हैं पारस ठकराल और स्नेह सचदेवा के बारे में, कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।